Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने मंडल की सभी सीटें जीत ली है। मुरादाबाद और अमरोहा में भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि रामपुर और संभल में शनिवार को कड़ी सुरक्षा में मतदान किया गया। दोपहर बाद दोनों ही सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए। आजम खां के गढ़ में भाजपा ने अपनी सीट को बरकरार रखा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ख्याले राम लोधी जीते हैं, जबकि डॉक्टर बर्क के गढ़ संभल में भाजपा ने इतिहास रचते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहली बार जीत हासिल की है। संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी पिछले 10 साल से काबिज थी, जिसे भाजपा की अनामिका यादव ने छीन लिया है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत की सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा प्रत्याशी ख्याली राम लोधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसरीन जहां को 6 वोट से पराजित कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी ख्याली राम लोधी को 18 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसरीन जहां को महज 13 वोट मिले हैं। इसके साथ ही चुनाव मैदान में डटे वार्ड 4 के सदस्य अमरजीत सिंह को कोई वोट नहीं मिला। रामपुर में 34 जिला पंचायत सदस्यों में से 32 ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो एक वोट खारिज हो गया, जबकि 2 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। संभल जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इतिहास रच दिया है। भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पहली बार जीत हासिल की है। संभल से भाजपा के अनामिका यादव ने 9 मतों से जीत हासिल कर ली। भाजपा प्रत्याशी को 22 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रीति यादव को मिले मात्र 13 वोट। संभल के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार था, जिसे भाजपा ने छीन लिया है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मुरादाबाद में भाजपा के डॉक्टर शैफाली सिंह और अमरोहा में भाजपा के ललित सिंह तंवर पहले ही निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजम खां जेल में बंद हैं और उनका इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है, तो उनकी अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कमाल करके दिखा दिया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.